सभी लोगों को हेलो गैस, हम लोग आज बनाने जा रहे हैं वाइट पास्ता सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए पास्ता जिसको हमने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया है, नमक डाल के, दूध 2 कप, वेजिटेबल्स के लिए प्याज, येलो बेल पेपर, टमाटो, इसके साथ भी आप अगर ब्रोकली वगैरह डालना चाहते हो वो आपके ऊपर है। एंड हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, चीज़, 2 टेबल स्पून मैदा, बटर, वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर जो हमने कूट लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जी को हम हाफ फ्राई कर लेते हैं। वेजिटेबल्स फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिए, गैस हम ऑन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बटर, 2 चम्मच जो भी हमारे चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं ये सब ये इसमें डालेंगे। ये जब थोड़े से कुक हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। जब तक ये कुक हो रहा है हम अपना दूध गर्म होने रख देते हैं। दूध गर्म करने के लिए हम इसमें बर्नर जलाएंगे। जो हमने यहाँ पे 2 कप दूध लिया हुआ है वो चढ़ाएंगे और इसमें एक बॉयल, क्योंकि हमने दूध ऑलरेडी अपना गर्म कर लिया है, देखिए इसमें एक बॉयल आने के लिए आने तक हम इसमें ये डालेंगे। ये के लिए हमने 1 तेज़पत्ता, लौंग और 1 प्याज अब हम इसमें डाल देंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो चलिए ये हमारा आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा पक चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। का पाउडर जो हमने ऑलरेडी कूटा हुआ है, जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए ये हमारा आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा पक चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। हमने टमाटर डाल दिया। टमाटर भी हमको पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होने तक। आप इसमें और भी वेजेस डाल सकते हैं, मेरे पास यही थी इसलिए मैंने ये डाली। आप इसमें ब्रोकली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर जो हमने ऑलरेडी कूटा हुआ है, जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे वेजेस रेडी हैं। हमने यहाँ पे सॉस के लिए, वाइट सॉस के लिए दूध गर्म कर लिया है, जिसमें हमने 1 तेज़पत्ता, लौंग और प्याज डाल के इसको एक बॉइल दिया है। अब चलिए करते हैं हम
व्हाइट सॉस की तैयारी। हेलो, तो चलिए बनाते हैं हम लोग वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे अगेन 2 टेबल स्पून हमारा बटर। बटर में कंजूसी नहीं, जब चीज़ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं तो बटर भी खाएंगे, राइट? तो ये हमने डाले इसमें बटर। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने 2 टेबल स्पून मैदा लिया था वो। अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है, ये हमारा पूरा मैदा अच्छे से भुन चुका है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। और हम इसमें अब डालेंगे दूध जो हमने ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है। ये हमारा ग्रेवी अब गाढ़ी हो रही है। हमने इसमें डाला हुआ है चीज़ जो हमने ऑलरेडी कद्दूकस कर लिया था ये, और इसमें आप भर के चीज़ फेंकेंगे क्योंकि आखिर हम बना रहे हैं वाइट पास्ता। आप देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून या 1-2 चुटकी वाइट पेपर पाउडर। ये हमें अब इसको बस थोड़ा सा और थिक करना है, उसके बाद हमारा व्हाइट सॉस तैयार है। इसमें भी हल्का सा हम सॉल्ट और डालेंगे, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट। तो अभी हमारा सॉस अच्छे से थिक हो गया है, ये देखिए अब हमारे ये सॉस तैयार। तो चलिए हम अब इस सॉस को करते हैं पास्ता में मिक्स। गैस, ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। अब बारी इसमें चिली फ्लेक्स डालने के, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा पास्ता है रेडी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये पास्ता कैसे बनाए। बाय।